घूमेगा बल्ला, चलेगा तीर या धारेगा शेर, किसकी होगी गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन में जीत? तहरीके इंसाफ, पीपल्स पार्टी और नून लीग में सियासी दंगल, वोटिंग का अमल जारी। 23 नशिस्तों पर 327 उम्मीदवार मध्य मुकाबल, 7 लाख वोटर्स अपना हक के राय दही इस्तेमाल करेंगे, 1.25 लाख नए वोटर्स पहली बार आईनी हक इस्तेमाल करेंगे, 1161 पोलिंग स्टेशन कायम, 418 इंतहाई हसास करार, रिटर्निंग और प्रिजाइडिंग अफसरान को मजिस्ट्रेट के इख्तियार हासिल, सिक्योरिटी के कड़े इंतजाम, 13,481 एहलकार ड्यूटी पर मामूल, मोबाइल साथ लाने पर पाबंदी, कोरोना SOPs पर हिदायत। ठंडे मौसम में भी वोटर्स का जोशो खरोश उरूज पर, स्कर्दू के बर्फीले पहाड़ों के दामन में पोलिंग का अमल जारी। गिलगित के सिटी पार्क कशरोट में मर्दों के पोलिंग स्टेशन पर वोटर्स की कतारें, बुजुर्ग शहरी भी पहुंच गए। कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी, वोटर्स की अक्सरियत ने फेस मास्क ना पहना, जलास में वोटर्स का जज्बा तीखा। मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन का दौरा, पोलिंग के इंतजाम का जायजा लिया, कहा किसी भी शिकायत पर फौरी एक्शन लिया जाएगा। जिन इलाकों में मौसम खराब है वहां वोटिंग का दौरानिया बढ़ाया जा सकता है। कमिश्नर राजा शहबाज खान, चीफ सेक्रेटरी GB खुर्रम आका और IGB चीफ इलेक्शन कमिश्नर के हमराह। गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबात के लिए पोलिंग पुरान तरीके से जारी है। निगरान वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान कहते हैं मिसाली इलेक्शन करवा के पूरे मुल्क के लिए नमूना बनाएंगे। आर्मी के जवान बॉर्डर्स की सिक्योरिटी पर मामूर हैं, इसलिए इलेक्शन में उनकी खिदमत नहीं ली गई। सर्दी और कोरोना के बावजूद तारीखी टर्न आउट मुतवक्की है, अभी तक धांधली की कोई शिकायत मौसूल नहीं हुई। जहाँ कहीं गड़बड़ की इतला मिली इससे निपटने के लिए क्विक रिस्पॉन्स फोर्स तैयार है। वफाकी वजीर असद उमर का गिलगित इलेक्शन में तहरीके इंसाफ की जीत का दावा, ट्वीट में लिखा कि इलेक्शन के बाद इंशाल्लाह तहरीके इंसाफ की मुंतखब गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत के साथ मिलकर इलाके के लिए हंगामी बुनियादों पर काम करेंगे। कराची और जनूबी बलोचिस्तान के तारीखी वफाकी तरक्याती प्रोग्राम्स के बाद अब इंशाल्लाह GB के लिए तारीख साज तरक्याती प्रोग्राम पर काम होगा। फिरदौस आशिक अवान कहती हैं शफाफ इंतखाबात गिलगित की तरक्की और खुशहाली पर मोहर सब करेंगे, आवाम वोट के जरिए नए गिलगित बल्तिस्तान की बुनियाद रखने जा रही है। पंजाब में बादल बरस पड़े, सोहबतपुर, मुनकीरा, अहमदपुर, शरकिया, जेहलम, नौशहरा और सादिकाबाद में बारिश से मौसम खुशगवार। इस्लामाबाद का मौसम अबरालूद, बादलों के डेरे, लाहौर और कराची में स्मोक के वार, शहर की फजा आलूदा, शहरियों को मुश्किल। महकमा मौसमियात की बारिश की पेशगोई, बादल बरसने से स्मोक में कमी का इम्कान। पाकिस्तान में कोरोना केसेस और अमवात में मुसलसल इजाफा, 24 घंटे में 2,443 केस रिपोर्ट, मौलिक वायरस मजीद 32 जिंदगियां निकल गया। जांबाक अफराद की तादाद 7,141 हो गई, मुल्क में कोरोना एक्टिव केसेस 26,538 हो गए। सीनियर सहाफी अरशद वही चौधरी कोरोना से इंतकाल कर गए, 3 रोज से वेंटिलेटर पर। वज़ीर आज़म का आलमी बरादरी से भारतीय दहशतगर्दी का नोटिस लेने का मुतालबा, कहा पाकिस्तान में भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी के नाकाबिले तर्दीद शवाहिद पेश कर दिए। दहशतगर्दी में जाने गंवाने वाले हजारों मासूम अफराद को इंसाफ फराहम किया जाए, बहादुर सिक्योरिटी फोर्सेज और एजेंसीज अवाम के तहफ्फुज़ के लिए हर मुमकिन इकदाम करती रहेंगी। सब्जियों की कीमतें आसमान से बातें करने लगी, अदरक की 500, लहसुन की 265 रुपए किलो में फरोख्त, शिमला मिर्च 260, टमाटर 130 और हरी मिर्च 185 रुपए किलो हो गई, मटर और मूंगफली 150 रुपए किलो हो गए, अंडे 170 रुपए दर्जन हो गए। ये थी अब तक की हेडलाइंस, तो हमें आप फॉलो कर सकते हैं फेसबुक, ट्विटर एंड यूट्यूब पर, तो देखते रहिए सिटी FS न्यूज़।